मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाइए तो आपको सड़कों के किनारे जर्जर हालात में यात्री प्रतीक्षालय देखने को मिल जाएंगे। यह कोई पहली पंचवर्षीय की बात नहीं है, हर पंचवर्षीय में हर मोड़ पर यात्री नवीन प्रतीक्षालय देखने को मिलेंगे, जिसमें सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं और स्थानीय विधायक की बड़ी बड़ी फोटो लगी मिलेंगी। लेकिन इन यात्री प्रतीक्षालय का कितना औचित्य है और इनको बनाने में कितना भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी कभी आपने परिकल्पना भी ना की होगी। सोचने वाली बात यह है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को आवास निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत की जाती है वह 1,35,000 होती है, जिसमें एक कमरा किचन बरामदा का निर्माण कराया जाता है, जिसके लिए सरकार महज 1,35,000 देती है। लेकिन चद्दर से बने इस यात्री प्रतीक्षालय के लिए 3.5 लाख खर्च किया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि यह कोई एक पंचवर्षीय में किया जा रहा हो, विगत कई वर्षों से यह यात्री प्रतीक्षालय के नाम पर पूरे देश प्रदेश में अरबों का घोटाला किया गया है। सत्ता बदलती है, विधायक भी बदलते हैं, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय में सिर्फ नाम बदल दिए जाते हैं और इनके पैसे हजम कर लिए जाते हैं। अगर यात्री प्रतीक्षालय के नाम पर विधायक सांसदों द्वारा खर्च की गई राशि की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसकी गुणवत्ता परखी जाए तो यह एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। ऐसे ही बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय की दुर्दशा देखने हमारी टीम पहुंची, जहां स्थानीय समाजसेवी ने प्रतीक्षालय के नाम पर महाघोटाले का आरोप लगाते हुए खुलासा किया है। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, हर घोटालों की अलग अलग एक प्रक्रिया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि विकास के नाम पर जो राशि दी जाती है उस पर भी जमकर घोटाला हो रहा है। हालांकि इस तरह के घोटालों को हमने कई बार दिखाया है और जांच भी हुई है। एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है यात्री प्रतीक्षालय के नाम पर, जिस पर रीवा जिले की अगर बात करें तो 8 विधायक और 1 सांसद हैं, सबके द्वारा विधायक निधि से यह राशि खर्च की गई है। आवास के लिए जहां 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहां एक ये यात्री प्रतीक्षालय के लिए 3,00,000-3.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसमें, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ समाज सेवी चतुर गौतम जी हैं, जिनके द्वारा जानकारी जुटाई गई है कि किस तरह से विधायक जनप्रतिनिधि ने घोटाला किया है। गौतम जी, किस तरह का ये मामला है, पूरा कैसे घोटाला किया गया? दरअसल जो विधायक जी हैं हमारे माननीय मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, इनको विधायक निधि मिलती है। विधायक निधि समाज और विकास के लिए दी जाती है, लेकिन इन्होंने समाज और उसका विकास, क्षेत्र का विकास नहीं किया, बल्कि अपना स्वयं का विकास ज़्यादा इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 एक बार में मिलता है, 16,000 मजदूरी में मिलता है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं ये लगभग 3 लाख से ऊपर का है, 3,5-3 लाख का है। इसी तरीके से जामू में 2 प्रतीक्षालय बने, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये हटवा जिले की अगर बात करें, पूरे जिले का यही हाल उड़ गए हैं, 50% तो उड़ गए हैं, हवा में उड़ गए, चूंकि टीने के बने हुए हैं, कंडूल पाइप के बने हुए हैं। और इसमें इससे बड़ा भ्रष्टाचार मुझे ऐसा लगता है कि टैंकर घोटाला और ये यात्री प्रतीक्षालय विधायक लोगों के द्वारा जो ये 2 तरीके अपनाए गए हैं, एक टैंकर और दूसरा यात्री प्रतीक्षालय, इसमें इन लोग भारी भ्रष्टाचार किए हैं। और जनता का जो पैसा है जो विकास के लिए दिया गया है, इनका विकास पर्याप्त हुआ है। कुल मिलाकर जहाँ भी देखें, स्वेच्छा अनुदान का राशि जो है वो या तो टैंकर के नाम पर है, हाँ। वो भी टैंकर आज की नहीं, हमको लगता है 10-50 साल से जब भी विधायक होते रहे टैंकर के लिए ही मत देते रहे। दुर्भाग्य ये है कि एक भी टैंकर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें किसी को कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। टैंकर का ना तो रजिस्ट्रेशन है, टैंकर बना कितना, गुणवत्ता कितना है उसका कोई देख नहीं। जैसे ये देखिए, ये टीना का है, टैंकर देखने को मिलते हैं क्या? टैंकर रोड में ठेकेदारों के यहाँ आपको मिल जाएंगे, ग्राम पंचायत में फूटे हुए मिल जाएंगे, जिनमें टायर नहीं है, बीच में लीकेज हो गए हैं, 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के लिए नहीं बचते हैं। क्या मिलाकर एक चक्र टाइप का बना हुआ है, शासन का पैसा आए इस माध्यम के साथ। देखिए, इन शुरू से स्टार्ट होता है, जिस दिन से चुनाव का पर्चा भरा जाता है उस दिनांक से जीतते दिनांक से लेकर और जब तक ये रहते हैं, इनके भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार नाना तरीके से करेंगे, जितने भी षड्यंत्र होते हैं उतने तरीके से भ्रष्टाचार लोग करते हैं। यात्री प्रतीक्षालय के रूप में क्या मानते हैं कि जिले में और प्रदेश में कितने घोटाला हो गए? अब 824 से लगभग ग्राम पंचायत हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ग्राम पंचायत नहीं जिस ग्राम पंचायत में 2-3 यहाँ तक कि 4 बने हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर चार बने हैं तो 12 लाख का बना है, 12 लाख का अगर किसी कोई रोड बनाई जाती, कोई भवन बनाया जाता, इससे अच्छा तो अगर कंक्रीट की बिल्डिंग बनाकर ये देते तो कम से कम 50 साल चलता, उड़ता नहीं। ये तो 5 साल बाद इसका हवा में उड़ जाएगा। उपयोग कितना हो रहे हैं इनके? मवेशी यहाँ रुकते हैं रात में, जो लावारिस होते हैं वो ज़रूर यहाँ पर रुकते हैं, और बाकी तो इसका आप भी देख रहे हैं कि इसका कितना उपयोग होता है। भैया शराब पीने के लिए उपयोग होगा, नशेड़ियों के लिए। तो देखा है आपने, यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं आवास बनाने के लिए, जहाँ सरकार 1.5 लाख रुपए देती है, वहीं यात्री प्रतीक्षालय के लिए 3.5 लाख रुपए देती है। हर विधायक हर 5 वर्ष में दे रहा है, लेकिन कहीं यात्री प्रतीक्षालय देखने के लिए ऐसे नहीं मिलते जहाँ पर कि लोग चैन से 2 मिनट बैठकर और बस का इंतज़ार कर सके। हालांकि ऐसे घोटाले की भी जाँच बहुत ही ज़रूरी है कि प्रदेश सरकार इन घोटालों की जाँच कराए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि प्रदेश सरकार जाँच कराएगी, क्योंकि उसके भी विधायक इसी में सम्मिलित हैं। विराट 24 के लिए रीवा से रामानंद पांडे।